जब हमारे लक्ष्य अच्छे हों और पूरी ईमानदारी और समर्पण भाव से उसे पाने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। जी हां दोस्तों, आज की हमारी कहानी लक्ष्य, लगन और कड़ी मेहनत दिलाएगी सफलता, इसी भावना पर आधारित है। इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप सभी कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए। चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने नेपोलियन से पूछा, आपकी सफलताओं के पीछे कोई दैवीय शक्ति है क्या? नेपोलियन मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले, हां, मेरी सफलताओं के पीछे दैवीय प्रेरणा है। दैवीय प्रेरणा से ही मुझे अपने लक्ष्य को चुनने में मदद मिलती है। जब हमारे लक्ष्य अच्छे हों और हम पूरी ईमानदारी और समर्पण भाव से उसे पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन में अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ संकल्प कर लिया है, उसे सफलता अवश्य मिलेगी। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपने प्रश्नों का सही उत्तर मिल गया। इसी तरह एक प्रसिद्ध लेखक के सम्मान में एक कॉलेज के छात्रों ने समारोह आयोजित किया। लेखक ने अपने भाषण में कहा, मैं कामना करता हूं कि ये छात्र जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसी में सफल होंगे, क्योंकि ये उत्साही हैं और प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए उत्साह पहली अनिवार्य आवश्यकता है। भाषण समाप्त होने के बाद जब लेखक छात्रों से मिले तो छात्रों ने कहा, मान्यवर, हमें लगता है कि हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, लेकिन लेखन के क्षेत्र में नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हम कभी सफल लेखक नहीं बन सकते। लेखक ने प्रश्न किया, ऐसा किस कारण से सोचते हो? तब छात्रों ने कहा, हमने सुना है कि लेखन प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त होती है, इस प्रतिभा को परिश्रम से अर्जित नहीं किया जा सकता। लेखक ने तुरंत कहा, आपकी धारणा गलत है। किसी भी कार्य में सफलता उत्साह और निरंतर परिश्रम से मिलती है। यदि आप वास्तव में लेखक बनना चाहते हैं तो इसी समय अपने कक्ष में जाएं और लिखने लग जाएं, और तब तक लिखते रहें जब तक कि लेख आपको मंत्र मुग्ध ना कर दे। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है सकारात्मक सोच, साथ ही उत्साह और पूरी ईमानदारी के साथ समर्पण भाव से किया गया कर्म ही आपको सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में, तब तक के लिए।